राजनांदगांव जिले की चिखली चौकी पुलिस ने अपने पति की हत्या करने वाली पत्नी एवं घटना में सहयोग करने वाले आबचारी बालक को गिरफ्तार कर लिया है। शराबी पति रोज नशे में पत्नी से मारपीट करता था, इससे तंग आकर महिला ने घटना को अंजाम दिया। घटना के चंद घंटे के बाद ही आरोपी पत्नी को और आबचारी बालक को गिरफ्तार कर लिया गया। रायपुर आरपीएफ ने मंगलवार को विशेष अभियान के दौरान दो दलालों को अवैध रेलवे टिकट के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी के पास से 1-1 लाख रुपए का टिकट जब्त किया गया है। कोरबा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में फर्जी बिजली बिल देकर ठगी करने वाले गिरोह में शामिल दो आरोपी विष्णु देवांगन व राकेश रात्ये को रामपुर चौकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव जिले की चिचोला चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ओडिशा से देवभोग के रास्ते गांजा लेकर पुणे जा रहे सुमित थोड़वे व गणेश शेखर को पकड़कर इनोवा कार से 196 किलो गांजा व इनोवा कार को जब्त कर लिया है। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब में मंगलवार की शाम एक व्यक्ति के कूदने से वहां हड़कंप मच गया। रात में 4 घंटों से अधिक समय तक गोताखोरों ने उसे ढूंढते रहे। आधी रात के आसपास युवक का शव मिला। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान अनुपम केड़िया के रूप में हुई है। रायगढ़ जिले के कोतरा रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कलमी डीपा में सोनू सोनवानी नामक युवक ने पत्नी की हत्या कर शव को खेत में दफना दिया। इसके बाद पकड़े जाने के डर से आरोपी ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसकी पत्नी द्वारा आए दिन विवाद किए जाने के कारण हत्या करने की बात कही गई। रायगढ़ जिले के कापू थाना क्षेत्र में 4 लुटेरों ने एक युवक से मारपीट कर उसकी बाइक व मोबाइल लूटकर भाग निकले। बताया गया कि युवक अपनी गाड़ी खड़ी करने शौच के लिए गया था। वापस लौटने के दौरान उसके साथ यह वारदात हुई। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई से घुमाने ले जाने का झांसा देकर राजनांदगांव लाकर तंत्र क्रिया के लिए पिता पुत्र का अपहरण कर लिया गया। बच्चे ने जब कार से बचाव की आवाज लगाई तो आसपास के लोगों ने उसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस टीम अलर्ट हुई और देर रात तक पत्तासाजी के बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांजगीर जिले के शक्ति थाना क्षेत्र में ग्राम डोंगरी डीह में स्थित दुर्गा मंदिर से माता की प्रतिमा से सोने चांदी के जेवर और दान पेटी से नगद रकम चोरी करने के साथ ही शक्ति और खरसिया थाना क्षेत्र में चोरी करने वाले आदतन 4 चोरों को शक्ति थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के कब्जे से मंदिर से चोरी किए गए आभूषण व अन्य सामान बरामद किया है, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए बताई गई है। जांजगीर चांपा जिला कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा द्वारा जारी निर्देश के परिपालन में खाद विभाग की टीम ने चावल जमा करने में लापरवाही बरतने वाले मिलर्स अग्रोहा राइस मिल में खाद्यान्न विभाग की टीम द्वारा जांच की गई, जिसमें भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा करने में रुचि नहीं ले जाने के कारण और छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर 158 क्विंटल धान और 82 क्विंटल चावल जब्त किया है। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के केरा गांव में पति पत्नी का गला रेतने की कोशिश करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपियों ने धारदार हथियार से गहरी नींद में सोए पति पत्नी को मारने की कोशिश की। हमलावरों ने पति का गला रेतने की कोशिश की, तभी उसकी नींद खुल गई और वो आरोपियों से भिड़ गया और बचाव के लिए चिल्लाने लगा तो अज्ञात आरोपी फरार हो गए। सुकमा जिले कोंटा थाना क्षेत्र में तेंदुपत्ता संग्रहण में फर्जीवाड़ा करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले की शिकायत के बाद से आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस ने इनकी कई जगहों में रांची कई राज्यों में तलाश की थी। इसके बाद पुलिस ने इन्हें कोलकाता से गिरफ्तार किया है। दुर्ग कोतवाली पुलिस ने बॉम्बे आवास उरला निवासी राजीव साहू को चोरी की 4 बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुराना बस स्टैंड दुर्ग और आनंद विहार कॉलोनी कुंद्रा पारा पोटिया रोड से सभी गाड़ियां चोरी की थी। आरोपी एक बाइक को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। इसी दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर चोरी की 4 बाइक बरामद की है।
राजधानी रायपुर के अमानाका थाना क्षेत्र के ग्राम तेंदुआ स्थित वासु लॉजिस्टिक में गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आगजनी की सूचना पर मौके में अमानाका पुलिस की टीम व फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र विभाग के सामने खड़ी पुलिस वाले की मोटरसाइकिल को चुराकर चोर फरार हो गए। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हालांकि घटना के 5 घंटे बाद ही पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के पास से 2 बाइक और 2 मोबाइल भी जब्त किया है।